का ज्ञान अनंत है, गुरु का ज्ञान अनंत है, गुरु है तारनहार, शिक्षा दे जीवन गढ़े, शिक्षा दे जीवन गढ़े, करे नेक उपकार, करे नेक उपकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात गुरुजनों की, गुरु की महिमा की। आप उन्हें गुरु कहें, शिक्षक कहें, उस्ताद कहें, अध्यापक कहें, टीचर कहें, बात एक ही है। यहाँ इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके गुरु कोई पुरुष हैं या आपके गुरु कोई महिला हैं। गुरु सिर्फ गुरु हैं, टीचर हैं, जो हमेशा अपने शिष्य के फायदे की बात सोचते हैं, शिष्य के हित की बात सोचते हैं। गुरु हमेशा ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म, जाति, पंथ, इनसे ऊपर उठकर हमेशा सोचता है बच्चे के लिए। और गुरु जो होते हैं, उनकी नज़र में बच्चे दो ही तरह के होते हैं, एक अच्छे बच्चे और दूसरे बहुत अच्छे बच्चे। सारे गुरुजन हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे बच्चे बनाया जाए, और इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ऐसे ही प्रयासों में से 20 प्रयास चुनकर मैं आपके लिए लाया हूं, जिन्हें आप गुरु के 20 गुर कह सकते हैं, गुरु 20 कह सकते हैं, G20 कह सकते हैं। ये मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों से चाहूंगा अपना स्नेह सानिध्य समर्थन हमें दें, ताकि हम उनके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहें। तो आइए बात करते हैं गुरु के 20 गुरुओं के बारे में, G20 के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो जो पहला मंत्र है साथियों, वो ये है कि विद्यार्थी को सदा अनुशासन का पालन करना चाहिए, सही समय पर रोज विद्यालय आना जाना चाहिए, और जो मोबाइल का प्रयोग है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी मोबाइल में अपना बहुत सारा वक्त जाया कर देते हैं। विद्यार्थियों को अपने टीचर, माता पिता, बड़ों का सदा आदर करना चाहिए, मन लगाकर खूब पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छी सफलता अर्जित करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। स्कूल कॉलेज की जो आपकी संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए, बिजली पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने स्कूल विद्यालय की दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, कूड़ा कचरा जो भी है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा करना चाहिए, और हर सीजन में हमेशा कुछ नए पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, बुरी संगत, नशा, अपराधों से दूर रहना चाहिए। आपको जब कहीं बाहर जाएं, सड़क पर जाएं, तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, बेवजह ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, इनसे बचना चाहिए। चोरी, झूठ, गालियां, इन चीज़ों को भी अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। विनम्रता, धीरज, इनको अपनाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कुछ अच्छे मित्र अवश्य बनाने चाहिए, ताकि उनकी संगत में आप भी कुछ और बेहतर कर सकें। कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, कि अगर उसमें कोई दोष है, कोई विकार है, तो उसका मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। घर, मोहल्ला, विद्यालय, पार्क, इन सबको हमेशा साफ रखने में मदद करनी चाहिए, और आदर्श विद्यार्थी बनकर दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। और सबसे जो अंतिम बात है, देश के लिए एक नेक उपयोगी नागरिक बनना चाहिए, ताकि आप देश निर्माण में भी अपना योगदान कर सकें और आपके माता पिता और गुरुजन आप पर जो है गर्व कर सकें। तो सार रूप में अगर मैं साथियों कहूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबको ये 20 जो गुरु मैंने दिए हैं, G20 गुरु मंत्र दिए हैं, इनको इस टीचर्स डे पर अपने गुरुजनों को उपहार में दें और उनके समक्ष संकल्प लें कि आप इन सब चीज़ों का अनुपालन करेंगे और एक अच्छे विद्यार्थी बनकर अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण करेंगे, ताकि आपके गुरुजन, माता पिता, बड़े आप पर गौरव कर सकें। और हाँ, दोबारा याद दिला दूँ, जो बड़ी समस्या बन रहा है, मोबाइल के प्रयोग को कम से कम करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे विद्यार्थी बने, और हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय शिक्षा। नमस्कार।